अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एमएस एंड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। डियर, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 3.8 के क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उस लेक्चर का लिंक देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और यहाँ पर आई बटन पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर मैं आज के लेक्चर की बात करूँ तो आज के लेक्चर में इसके बाद वाले जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आज के लेक्चर में सॉल्व करूंगा। ये भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही हमने करने, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किए थे। सिंपल सा हमने इन क्वेश्चंस का डेरिवेटिव लेना, उसमें वैल्यूज पुट करके इसका आंसर लेके आना है। बहुत ही शॉर्ट सा लेक्चर होगा, बहुत ही सिंपल और बहुत इजी लेक्चर होगा। आप लेक्चर को आखिर तक देखना है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी किया करें, बेल के बटन को प्रेस किया करें ताकि जब भी मैं वीडियो लेकर आता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखते हैं जब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, कहते हैं एक्स इज इक्वल टू वाई की पावर 3 - y, ये उसने आपको क्वेश्चन दी हुई है। dy ओवर dt व्हिच इज इक्वल टू 5, आपने यहां से फाइंड करना है जी dx/dt, यानी कि डेरिवेटिव लेना आपने t की रिस्पेक्ट से। उसके बाद इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी एट y इज इक्वल टू 2 पे। हमने वैसे का वैसे ही करना, सबसे पहले हम लोग क्या करें इसका डेरिवेटिव लेंगे हम t की रिस्पेक्ट से। डेरिवेटिव लेने के बाद हम इसके अंदर जहां पे dy ओवर dt होगा वहां पे 5 पुट करेंगे, जहां पे y होगा वहां पे 2 पुट करेंगे, तो इसका हमारे पास dx/dt का आंसर आ जाएगा। तो शॉर्ट से क्वेश्चन है, देखते हैं जिसका डेरिवेटिव लेके चेक करते हैं dx/dt की रिस्पेक्ट से। तो dx/dt में करता हूं तो इसका डेरिवेटिव होगा dx/dt, इसका लेता हूं तो ये 3 पीछे आ जाएगा, पहले पावर लगेगा 3y की पावर 2 बन जाएगा। दोबारा से y का डेरिवेटिव लेंगे तो वो बनेगा जी dy/dt, उसके बाद आपके पास माइनस है तो y का डेरिवेटिव होगा जी dy/dt। ठीक हो गया जी। अब आप लोगों ने क्या करना है, जहां जहां पे y dy/dt है वहां वहां पे आप लोग 5 पुट करेंगे और जहां पे y है वहां पे 2 पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए शॉर्ट सा क्वेश्चन है, ज्यादा लेंथी नहीं है। dx/dt व्हिच इज इक्वल टू 3, y आपके पास 2 है तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे, यहां पे dy/dt आपके पास 5 है तो यहां पे आप लोग लिखेंगे 5 - dy/dt 5 है तो यहां पे लिखेंगे आप लोग 5। तो dx/dt व्हिच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर 20 आएगा, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, 60 - 5 व्हिच इज इक्वल टू ये बनेगा जी आपके पास dx/dt व्हिच इज इक्वल टू 55। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है x² + y² व्हिच इज इक्वल टू 25, कहता है dx/dt व्हिच इज इक्वल टू -2, ये आप लोग पुट करेंगे। आप लोगों ने फाइंड करना dy/dt जब आपके पास x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -4 है। सबसे पहले हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे t की रिस्पेक्ट से, डेरिवेटिव लेते तो ये बन जाएगा जी आपके पास 2x में 2 पीछे आ जाएगा, पावर लगेगा 2 पीछे आ जाएगा 2x और dx/dt बन जाएगा। उसके बाद प्लस ये बनेगा 2y dy/dt बन जाएगा व्हिच इज इक्वल टू 25 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव आपके पास 0 होता है। अब देखें जी जहां जहां पे आपके पास dx/dt है वहां पे -2 पुट करें, जहां पे x है वहां पे 3 पुट करें, जहां पे y है वहां पे -4 पुट करें, पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2 × x की जहां पे 3 पुट करना है मैंने, dx/dt माइनस मैंने -2 पुट करना है, प्लस 2y की जगह पे मैंने पुट करना है -4, dy/dt हमारे पास वैसे का वैसे ही है dy/dt विच इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि dy/dt तो हमने फाइंड करना है तो उसकी वैल्यू तो हमारे पास कोई नहीं होगी ना, ये तो हमने फाइंड करना है। तो देखें जी 3 × 2 = 6 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा, प्लस माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ जाएगा, dy/dt विच इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखें जी ये आपके पास है जी -8 dy/dt -8 dy/dt विच इज इक्वल टू, उस -12 को तो लेके जाए तो जाकर 12 बन जाएगा, प्लस का 12 बन जाएगा। अब 8 को तो जाकर कर देंगे डिवाइड आप लोग, तो ये बनेगा जी आप लोगों के पास dy/dt विच इज इक्वल टू, ये बनेगा जी आपको 12 - -8। अब आप लोग इसको कर दें कैंसिल, तो 4 से कैंसिल करते हैं, 4 × 2 = 8 होता है और 4 × 3 = 12 होता है, तो -3/2 dy/dt विच इज इक्वल टू -3/2। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है x² / y³ व्हिच इज इक्वल टू 4/27 dy/dt, उसने 1/2 दिया हुआ है। dx/dt आप लोगों ने यहां से फाइंड करना है और x इज इक्वल 2 पे आपने वैल्यू पुट करके आपने dx/dt फाइंड करना है। तो देखते हैं जी इसका आप लोग डेरिवेटिव लेंगे किसकी रिस्पेक्ट से, t की रिस्पेक्ट से लेंगे तो ऑब्वियसली यहां पे सेंटर में कुछ नहीं है, आपस में मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट रूल लगेगा,
तो प्रोडक्ट रूल में सबसे पहले एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे लिखते हैं, फिर आप लोग डेरिवेटिव लेते हैं डी बाई डी टी इंटू वाई की पावर थ्री का, फिर प्लस लिखते हैं, फिर वाई की पावर थ्री वैसे का वैसे लिखते हैं, फिर आप लोग डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट टर्म का विच इज इक्वल टू 4/27 का, डेरिवेटिव जीरो होता है क्योंकि ये आपके पास कॉन्स्टेंट है। अब ये बनेगा जी एक्स स्क्वायर, इसका पावर पीछे आ जाएगी 3y² डी वाई बाई डी टी प्लस वाई क्यूब वैसे का वैसे आ जाएगा, इसका बनेगा जी 2x और साथ आएगा जी डी एक्स बाई डी टी विच इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं जी, एक्स जहां जहां पे एक्स है वहां पे 2 पुट करेंगे, जहां पे आपके पास डी वाई बाई डी टी है वहां पे 1/2 पुट करेंगे, तो जहां पे वाई है वहां पे क्या पुट करेंगे, देखिए वाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मौजूद ही है, तो हम अगर इस तरह से करेंगे इस एक्स की वैल्यू 2 को इसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास वाई की वैल्यू निकल आएगी, फिर उसी वाई की वैल्यू को हम यहाँ पे वाई की जगह पे पुट कर देंगे तो फाइनली हमारे पास डी एक्स बाई डी टी का आंसर आ जाएगा। तो हम रफ अमल में यहाँ पे कर लेते हैं या फिर यहाँ पे करना तो यहाँ पे कर लेते हैं, पहले आप लोग इस तरह से कर लें, यहाँ रफ में कर लेते हैं जी, ये जी आपके पास एक्स स्क्वायर वाई क्यूब विच इज इक्वल 4/27, तो जहाँ पे एक्स है वहां पे 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, 4y³ विच इज इक्वल 4/27, ये 4 से कैंसिल हुआ तो ये बन गया जी y³ 1/27। अब इसका आप लोग y की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे क्यूब रूट ले सकते हैं, तो क्यूब रूट लेंगे तो ये बनेगा जी y³ 1/3 विच इज इक्वल 1/27 को आप लोग लिख सकते हैं, 3³ लिख सकते हैं, 3³ इसकी पावर आपके पास है जी 1/3, तो ये 3 से कैंसिल, तो y विच इज इक्वल टू ये 3 से कैंसिल तो ये आ गया जी 1/3, y विच इज इक्वल 1/3, तो y की वैल्यू यहाँ पे आप लोग 1/3 पुट करें, x की जगह पे आप लोग 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर 3 इंटू y की जगह पे 1/3 का स्क्वायर डी वाई बाई डी टी की जगह पे आपने पुट करना है जी 1/2 प्लस y की जगह y की क्यूब है तो 1/3 का क्यूब हो जाएगा 2 इंटू एक्स के 2 पुट करेंगे साथ आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप लोग 2 का स्केयर लेंगे तो 4 आएगा, 3 इंटू 1/3 का स्केयर आपके पास होता जी 9, हाँ जी 9 होता है, 1/2 आ जाएगा उसके बाद प्लस 1/3 का क्यूब होता जी 1/27, 2^4 डी एक्स बाई डी टी विच इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब दो दो चीज यहाँ से कैंसिल होती है उसको आप लोग कैंसिल कर दें, 2 को कैंसिल कर दें, 2^4 होता है तो 3 को कैंसिल कर दें, 3^9 तो ऊपर आपके पास 2 बचा, 2/3 प्लस 4 को मल्टीप्लाई करें तो 4/27 साथ है जी आपके पास डी एक्स बाई डी टी विच इज इक्वल टू 0। अब 2/3 को आप लोग बराबर के उस साइड पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा जी 4/27 डी एक्स बाई डी टी विच इज इक्वल टू, उधर जाके बन जाएगा -2/3, तो इसको उधर जाके ये यहाँ पे मल्टीप्लाई उसको उधर जाके डिवाइड कर देते हैं, उधर जाके इस तरह बनेगा डी एक्स बाई डी टी विच इज इक्वल टू -2/3, 27 डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक हो गया जी। तो ये देखें जी आप लोग क्या कर सकते हैं, 2 को कैंसिल करें 2/4, 3 को कैंसिल करें 3^9/27, ठीक है जी। तो ऊपर आपके पास बचा जी -9/2, तो यही आई थिंक आपके पास फाइनल आंसर है डी एक्स बाई डी टी विच इज इक्वल टू -9/2, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है l विच इज इक्वल टू x² + y² का स्क्वायर रूट dx / dt -1 दिया हुआ, dy / dt उसने 3 दिया हुआ है, dl / dt के आपने फाइंड करना है, इसका डेरिवेटिव और ठीक रिस्पेक्ट से लेना है और वैल्यूज पुट करनी है आपने, x = 5 और y = 12 इसको मैं पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। तो देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, l विच इज इक्वल टू x² + y² इसकी पावर 1/2, स्क्वायर रूट को खत्म करके मैं यहाँ पे 1/2 भी लिख सकता हूँ, इजीली आप उसका डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे पावर रूल लगेगा 1/2 पीछे आ जाएगा, ये बनेगा dl बाई डी टी विच इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा पीछे, तो इसकी पावर में एक माइनस कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसकी 1/2 की पावर में एक माइनस करेंगे तो -1/2 बन जाएगा। दोबारा से आप लोग उसका डेरिवेटिव लेंगे जी t की रिस्पेक्ट से डी ओवर डी टी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या बनने जा रहा है आपके पास dl by dt which is equal to, इसको नीचे ले जाएं 1/2 into x square plus y square, नीचे जाके इसका square root बन जाएगा, इसका derivative लेंगे तो ये बनेगा 2x dx by dt plus 2y dy by dt बन जाएगा। अब यहां पे देखें जी आप लोग क्या कर सकते हैं,
यहां पे भी टू मौजूद है, यहां पे भी टू मौजूद है। मैं यहां से टू को लेता हूं कॉमन, टू को कॉमन लेंगे तो टू टू से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा dl by dt which is equal to, इसको साथ ऊपर लिख लें, x dx by dt plus y dy by dt, डिनोमिनेटर में लिखें जी आप लोग x square plus y square, स्केयर रूट में लिख लें। मैंने कहा कि इस 2 को अगर यहां से 2 में कॉमन लेता हूं तो 2 2 से कैंसिल हो गया, ऊपर ये बचा नीचे ये चीज बच गई। अब हम लोग सिंपल इसमें अंदर ये वाली वैल्यूज पुट करनी है, ये वाली वैल्यूज तुम्हारे पास आंसर आएगा dl by dt which is equal to, x की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 5, तो 5 पुट कर दिया, dx by dt की जगह पे पुट करेंगे माइनस वन, माइनस वन पुट कर दिया, y की जगह पे पुट करेंगे 12, dy by dt की जगह पे पुट करेंगे हमारे पास 3, नीचे हमारे पास x है जी, x हमारे पास 5 है तो 5 का स्केयर प्लस 12 है तो 12 का स्केयर, इसका स्केयर रूट आ जाएगा, तो dl by dt which is equal to माइनस 5, 36, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें 36 आ जाएगा, 5 का स्केयर 25 होता है, 12 का स्केयर होता है 144, इसका स्केयर रूट आ जाएगा। अब यहाँ पे मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 36 में से 5 आप माइनस करेंगे तो ये 31 बनेगा, ओवर डिनोमिनेटर में 25 में 144 प्लस करेंगे, 144 प्लस 25 करेंगे तो 169 बनेगा, 169 का स्केयर रूट लेंगे तो वो आता है जी आप लोगों के पास 13, तो 31 बाय 13, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हम आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं जी। तो देखें जी नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 10 में कहता है जी r plus s square plus v cube which is equal to 12 dr by dt 4 दिया हुआ है, ds by dt minus 3 दिया हुआ है, dv by dt फाइंड करना है r 3 पे s 1 पे। तो सबसे पहले हम इसका t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो इसका बनेगा जी आपके पास dr by dt बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2s ts by dt बन जाएगा, उसके बाद प्लस 3 पीछे आ जाएगा 3v square dv by dt बन जाएगा which is equal to 0 बन जाएगा, 12 कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव 0 होता है। अब देखिए यहां पे dr by dt की उसने वैल्यू 4 दी हुई है, उसके बाद उसने s की वैल्यू 1 दी हुई है, उसके बाद ds by dt की वैल्यू उसने -3 दी हुई है और v की वैल्यू उसने आपको कहीं भी नहीं दी हुई, तो v की वैल्यू भी हमें ऑब्वियसली चाहिए क्योंकि हमने यहां से dv by dt फाइंड करना तो हमें v की वैल्यू चाहिए। तो v की वैल्यू हम इजीली कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर r की वैल्यू 3 पुट करूं, s की जगह पे 1 पुट करूं तो v की वैल्यू निकल आएगी। तो पहले आप लोग इसकी v की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यहां पे पहले इसके अंदर r plus s square plus v cube which is equal to 12 है, इसके अंदर आप लोग r 3 पुट करें, 3 प्लस s की जगह पे 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस v क्यूब व्हिच इज इक्वल टू 12, तो ये बनेगा जी 4 प्लस v क्यूब व्हिच इज इक्वल टू 12, v क्यूब व्हिच इज इक्वल टू 12 माइनस 4, v क्यूब है यहां पे, हां जी तो v क्यूब व्हिच इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, तो इसका क्यूब रूट लेते हैं v की पावर, इसका क्यूब रूट लेते हैं तो ये बनेगा जी, ये होता जी 2 की पावर 3, ठीक है, क्यूब रूट लिया तो यहाँ पे भी ऊपर 1 ओवर 3 बन जाएगा, तो 3 3 से कैंसिल, ये 3 3 से कैंसिल, तो v आ गया जी आप लोगों के पास 2, v की वैल्यू आपके पास 2 आ चुकी है। अब v की s की इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज पुट करें, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा dv by dt का। तो देखें जी यहाँ पे dr by dt की जगह पे आप लोग 4 पुट करेंगे तो 4 यहाँ पे लिख लें, उसके बाद प्लस 2, s की जगह पे आप लोग यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 लिख लिया, उसके बाद ds by dt की जगह पे माइनस 3 पुट करेंगे तो माइनस 3 पुट कर लिया, प्लस 3 इंटू v की जगह पे करेंगे पुट 2 तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर, उसके बाद dv by dt, dv by dt तो हमने फाइंड करना है ना, तो उसको वैसे का वैसे लिख लें dy by dt which is equal to 0। अब देखिए जी यहाँ पे सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिया करें, अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कर दिया करें। तो देखिए जी यहाँ पे आपके पास है जी 4 प्लस माइनस माइनस, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा, उसके बाद प्लस 2 का स्केयर 4 होता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 होता है, 12 dv ओवर dt विच इज इक्वल टू 0, 4 माइनस 6 करेंगे तो माइनस 2 प्लस 12 dv बाय dt विच इज इक्वल टू 0, माइनस 2 को इक्वल के उस साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस का 2 बन जाएगा, 12 dv बाय dt which is equal to plus का 2, 12 को डिवाइड कर दें तो dv by dt which is equal to 2 by 12, कैंसिल करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 1 by 6, this is the final answer of question number 10।
स्टूडेंट आजकल एक्स कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। मैंने बहुत कोशिश की है, हमेशा से कोशिश करता हूँ कि सिंपलेस्ट वे में आपको समझाया था कि आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाए। एंड पे आपसे ये रिक्वेस्ट होती है, सब्सक्राइब किए बगैर मत जाया करें अपने क्लास में, इसके साथ लाजमी शेयर कीजिए क्योंकि अच्छी चीज़ को शेयर करना सदके में आता है। उसके अलावा अपने चैनल का भी ख्याल रखा, अपना भी ख्याल रखे, इस चैनल का भी ख्याल रखे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।